गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वो है उधर बॉटल। जल्दी आना, रुकना नहीं। बॉयज गर्ल्स, अलग से बोलोगे तुम लोगों को, चुप बैठो आप। कल हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी, है सबकी नोटबुक में बनी हुई। जिस जिसको मैंने बोला था गलत है, उन्होंने कहे कि नहीं, चेक करूंगी मैं लास्ट में। अब लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अब एक बात याद रखना, हम लोग ये सब्जेक्ट में जितने भी स्केड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल यानी जो ऊपर हमने बॉक्स बनाया ना एग्जांपल वाला, जिसमें हमने नंबर्स लिखे कि यूनिट इतनी कंज्यूम की, टीयू इतना था, एमयू इतना था, उस स्केड्यूल को हमें कंपलसरीली डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ता है और डायग्राम कंपलसरी बनानी पड़ती है। क्लियर है? तो अब हमने देखो स्केड्यूल बनाया, स्केड्यूल को एक्सप्लेन किया, डायग्राम बनाई, अब हमको डायग्राम को एक्सप्लेन करना। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। बातें बंद करो प्लीज। अब ध्यान दो, कुछ ऐसी तुम्हारी डायग्राम बनी हुई थी। अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं डाली है, डायरेक्ट डायग्राम बनाई है। हमने वाई एक्सिस पे शो किया था टी यू और एम यू को, और एक्स एक्सिस पे हमने शो किया था यूनिट्स कंज्यूम, कि कितने यूनिट्स हमने खाए। ठीक है, अब हमको ये डायग्राम को करना पड़ता है एक्सप्लेन। क्लियर है? बहुत ईजी है, ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ जो हमें डायग्राम में लिखनी पड़ती है वो ये लिखनी पड़ती है कि आप एक्स एक्सिस गर्ल्स, आप एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, यूनिट्स कंज्यूम, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी डायग्राम तुम बनाओगे तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या लिखनी है, एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमें ये देख रहे हैं, हमको एक टी यू की लाइन मिली और एक एम यू की लाइन मिली। ये वाली लाइन किसकी है, हमारी टी यू वाली, और ये वाली एम यू। तो ये लाइन को अपन कर्व बोलते, क्या बोलते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दिखानी है एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो। दूसरी चीज़ हम दिखाएंगे कि जो हमारा कर्व है ना, उसका शेप कैसा है। समझ में आ रहा है? अब देखो शेप कैसा है यानी क्या। अगर तुम एम यू कर्व सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ ऐसा बना है हमारा एम यू कर्व। क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना एम यू कर्व, यहाँ से बनाते बनाते वो नीचे गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ, जहाँ से मैंने इसको शुरू किया है वहाँ से वो नीचे गया कि ऊपर गया है? नीचे गया है। सब एग्री कर रहे हो ये बात से? तो इसको बोलते हैं कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। कहाँ कर्व का स्लोप हुआ है, डाउनवर्ड। पूरा लिखाऊंगी, अभी बता दे रही हूँ क्या क्या लिखना। क्लियर है? डाउनवर्ड क्यों बोला, क्योंकि कर्व कहाँ गया, नीचे। फिर अगर तुम टी यू को ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ इतने को छोड़ दो, इतने को छोड़ दो, तो हमारा टी यू कर्व क्या हुआ है, बड़ा है, ऊपर गया है। तो ऊपर जाने को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज़,
हमने जो नंबर्स लिखे थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, हम जब ग्राफ बना रहे थे हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन गए कि इधर से इधर आए? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है, मतलब हम राइट साइड में जा रहे, इट मींस लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? तीन बातें। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो। दूसरी बात, तुम्हारे कर्व का शेप कैसा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तीसरी चीज़, जो हमने नंबर्स लिखे, कभी भी ग्राफ में अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं, हम उल्टा ग्राफ बनाते नहीं। क्लियर है तीनों पॉइंट्स? अब यही तीनों पॉइंट्स हमको लिखने, लिखो इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस, इन द अबव डायग्राम x axis represent, in the above diagram x axis represent, मैं हार्ड स्पेलिंग लिखती हूँ यहाँ पे, मेहरबानी करके देख के लिखा करो, नोटबुक में गलत मत लिखो प्लीज़। जिसको दिखने की प्रॉब्लम है वो सामने आके बैठ सकते हो। x axis represent number of units consumed, number of units consumed and y axis represent क्या दिखाया y axis पे? TU and MU, total utility and marginal utility, y axis represent total utility and marginal utility, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टोटल यूटिलिटी कर्व, द टोटल यूटिलिटी कर्व, द टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड वेयर एज marginal utility curve, whereas marginal utility curve slopes downward, whereas marginal utility curve slopes downward, full stop। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, टी यू एंड एम यू कर्व बिगिन एट द सेम पॉइंट। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट होना, BEGIN। टी यू एंड एम यू कर्व बिगिन एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। अब ध्यान दो इसका मतलब क्या है। देखो, टी यू कर्व स्टार्ट यहाँ से हुआ था और एम यू कर्व भी स्टार्ट यहीं से हुआ था। स्टार्टिंग में दोनों 8-8 थे, इट मीन्स दोनों का पॉइंट सेम है। पहले लिखा, टी यू एंड एम यू कर्व बिगिन एट द सेम पॉइंट। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, as the consumer consumes further,
further as the consumer consumes further. टी यू क्या हुआ था जब कंज्यूमर कंज्यूमर ने और खाना शुरू किया? टी यू बट एट अ हाँ. और एम यू क्या हुआ था? तो लिखो एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर टी यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. टी यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना. चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो हिंदी में समझने के लिए अपने. कम होना रेट. हाँ टी यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. वेयर एज एम यू गोज ऑन डिमिनिशेस. एम यू गोज ऑन डिमिनिशेस. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट when tu curve is at the maximum point. when tu curve is at maximum point. जब tu maximum होता है mu क्या होता है? comma the mu is zero bracket में लिखो. that is it touches. अब ध्यान दो जब हमारा tu maximum था उस time mu कहाँ था? तो ज़ीरो कहाँ दिखाया था? ये एक्सिस के ऊपर. तो इट टचेस द एक्स एक्सिस ब्रैकेट क्लोज. समझ में आया एक्स एक्सिस क्यों? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या बोलते? कल ही सिखाया था पॉइंट ऑफ सैचुरिटी. लिखो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैचुरिटी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट लास्ट. व्हेन टी यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. When TU curve slopes downward. अब देखो TU यहाँ तक बढ़ता गया, ठीक है. फिर ये पॉइंट के बाद वो क्या हो गया? नीचे आ गया. इसलिए लिखा है when TU curve slopes downward, comma the MU curve क्या हुआ? एम यू कर्व को बिकम्स नेगेटिव. देखो नीचे चले गया ये इधर. द एम यू कर्व बिकम्स नेगेटिव फुल स्टॉप. दिस इंडिकेट्स डिसयूटिलिटी किसको बोलते?
जब यूटिलिटी नेगेटिव हो। क्लियर है? लिखा? समझ में आया? पक्का? और एक बात देखो, तुम लोगों को ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पेपर है तुम्हारा अगले साल, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर बात याद रहे, तो तुम लिखो अपनी कॉपी में। इसके अलावा तुम्हें जिस लैंग्वेज में समझता है अपनी लैंग्वेज में लिख दिया करो। अब जैसे ये रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था भावेश का, पिज्ज़ा वाला, तो वो आप बाजू में लिख लो ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर ऑन टाइम आपको कुछ भी याद नहीं आता। क्लियर है? समझ में आया? टी यू और एम यू का आपस में क्या रिलेशन है? हाँ कि नहीं? पक्का? चलो तो अब मैं पूछूंगी। टेस्ट लूँ? तो मेरे को टेस्ट बनानी पड़ेगी ना पहले, कमिंग फ्राइडे को। बस पढ़ो अच्छे से जब तक तुम लोग। चलो पहले ऐसे ही टेस्ट ले लेते फिर पता चल। जी लिखने वाली नहीं ना बाबा, ओरल ले रही। चलो टी यू का मीनिंग कौन एक्सप्लेन करेगा? और डरो मत, मारूंगी नहीं मैं, गलत होगा होने दो। मेरे को उम्मीद थी पूरी क्लास का हाथ ऊपर होगा। सिर्फ तीन गर्ल्स का हाथ ऊपर है? क्यों भाई, बाकी वो नहीं आता है क्या? बोलो तो सही, हाथ ऊपर करो। गलत होगा तो क्या होगा, सीखोगे ही ना कुछ तुम लोग। रुको बॉयज, टी यू का मीनिंग सिर्फ दो लड़कों का हाथ ऊपर है, तीन। ऐसे मैं वेट करती हूँ वो दिन कब आएगा जब पूरी क्लास का हाथ ऊपर होगा। पॉसिबल है एक ना एक दिन आएगा, मेरे को ट्रस्ट है अपने पढ़ाने पे। चलो कुछ तो बोलो, ट्राई तो करो कम से कम, गलत ही होगा ना और क्या होगा। अगर प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा एग्जांपल के थ्रू बताओ, वो भी चलो कंसीडर कर रही मैं। करो हाथ ऊपर, किस किस को आ रहा है देखो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है बताओ। एग्जाम्पल दो कोई। चलेगा टोटल कितना होगा? अगर समझो आपने चार खाए तो, चार खाए तो तीन टोटल होंगे, चारों का मिला के टोटल होगा। ठीक है बैठो। क्या होता है टोटल यूटिलिटी का मीनिंग? आपने जितने भी यूनिट्स उन सब का टोटल। भावेश ने पहला पिज्ज़ा खाया था तो आठ यूटिलिटी थी उसकी, मतलब बहुत भूख थी। फिर दूसरा खाया, दूसरे में भूख थोड़ी, तो दूसरे वाले से छः ही मिले। पहले वाले से कितने मिले? आठ। दूसरे वाले में कितनी थी? दोनों मिला के तो दोनों की टोटल यूटिलिटी 14। फिर उसने तीसरा भी पिज्ज़ा खाया, फ्री का मिल रहा था ना उसको। अब क्या हुआ, वो और तीसरे में उसकी यूटिलिटी और कम हो गई।
आठ, आठ से छः, छः के बाद तो तीनों का टोटल मिला के कितना, आठ और छः चौदह, चौदह और चार तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, अठारह। समझ में आया? अब समझो उसने और एक पिज्ज़ा खाया तो टोटल चारों की, उसने और एक खाया तो टोटल पांचों की। समझ में आया? अब बताओ मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग। बोलो एमयू का मीनिंग किस किस को आ रहा है बताओ। दो तीन बस, चार नहीं आ रहा क्या आपको? ट्राई करो, गलती होगा ना। बोलो बोलो। जो भी आप एक्स्ट्रा यूनिट लेते जा रहे हो वो एक्स्ट्रा यूनिट में आपकी जितनी भूख है उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे भावेश के पहले पिज्जा में कितनी थी, आठ, मतलब उसको आठ यूटिल्स की ज़रूरत थी उसमें से। फिर पहला उसने अच्छे से खाया तो दूसरे में उसकी यूटिलिटी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, और कितनी हुई, छः। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सिर्फ दूसरे वाले में से, और टोटल यूटिलिटी यानी दोनों की। फिर उसने तीसरा पिज्ज़ा भी खाया तो तीसरा एक्स्ट्रा काउंट होगा, तो तीसरे से जितना मिला वो कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, और तीनों को मिला के कहलाएगी। क्लियर है? पक्का? रिलेशन कौन एक्सप्लेन करेगा? इतना इजी है ये तो। चार पॉइंट है कल वाले, याद करो चार पॉइंट। दूसरों को भी चांस देना है। बोलो अमृत। बैठो। एक रैशनल कंज्यूमर यानी एक अच्छे कंज्यूमर को कंजम्पशन कौन से पॉइंट पे रोकना चाहिए, यानी कौन से पॉइंट पे हम खाना खाना बंद करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैशिटी, डेट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है, अब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने खाया तो क्या होगा,
जाओ डॉक्टर के पास, तो नेगेटिव यूटिलिटी, और उसको हम बोलते हैं डिस यूटिलिटी। क्लियर है? पक्का? अब सिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉ तुमको पढ़ा रही हूँ। हाँ, कल संडे है, कल क्लास ही नहीं है मेरी। नहीं समझेगा जो मैंने पढ़ाया है वही उस लॉ में। चलो ठीक है, मेरे को इंट्रोडक्शन तो भी दे देने, ध्यान दो। अब देखो, तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में तीन चार लॉज है। सबसे पहले मुझे बताओ लॉ यानी क्या होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर किसी पे एप्लीकेबल होता है। अब एग्जांपल ले लो ट्रैफिक सिग्नल, तुम रेड पे अगर जा रहे हो तो ट्रैफिक पुलिस तुम्हें फाइन चार्ज करेंगी। क्यों? क्योंकि तुमने सिग्नल, अरे तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो गर्ल्स लास्ट में, तो ध्यान दो। लॉ यानी क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉमन सेंस पे बनते हैं। अब तुम रेड पे भी सिग्नल ब्रेक करके जा रहे हो, इट मीन्स तुम्हारे पास कॉमन सेंस अगर क्लास में टीचर पढ़ा रही है फिर भी तुम बातें कर रहे हो, इट मीन्स यू डोंट हैव कॉमन सेंस। ये बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो लॉ किस पे बने रहते हैं? कॉमन सेंस पे। ठीक है, क्लियर है लॉ का मीनिंग? अब तुम सब ने स्कूल में न्यूटन का लॉ पढ़ा था, ग्रेविटी, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो। क्लियर है? अब ये मैं करूँ, तुम करो, इंडिया में करो, अमेरिका में करो, हर जगह एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब ध्यान दो, ऐसे ही लॉज हमको पढ़ने पड़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, पर बात क्या है, साइंस में जो तुम लॉ पढ़ते हो ना, वो उसमें जिसकी स्टडी होती है वो कोई चीज़ होती है। जैसे न्यूटन ने बोला तुम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो प्रोडक्ट पे वर्क करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ हैं ना वो इंसानों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। किसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए? मतलब एक इंसानों का कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया और लॉ बनाया। एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, तुम सब ने देखा एमयू क्या हो रही है, जब हम सेम चीज़ कंटिन्यू खा रहे तो एमयू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये सब हम सब के साथ होता है कि हम जब भी खाना खाते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से खाते हैं, फिर एक पॉइंट आता है हम सब खाना खाना बंद कर देते हैं। मेरे साथ भी होता है, समझा? तो इकोनॉमिक्स में जो लॉ बनाए जाते हैं ना वो किसके लिए बनाए जाते हैं, उसकी स्टडी कौन होता है? मैन। कि एक इंसान कैसे बिहेव करता है जब भी कुछ चेंज होता है। जैसे समझो तुम्हारी इनकम बदली तो तुम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो? बेसिक सी बात, तुम 20,000 कमा रहे हो, बहुत मेहनत की तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तुम्हारी सैलरी हो गई 50,000, तो तुम खर्चा ज़्यादा करोगे कि कम? समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ किसकी स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की। कि ह्यूमन का बिहेवियर जब भी मनी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में चेंज होता है तो इंसान का बिहेवियर कैसा रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कि इकोनॉमिक्स के जो भी लॉ हम पढ़ेंगे उसमें वैसा कुछ कोई प्रोडक्ट, मतलब ऐसे किसी चीज़ का लॉ नहीं पढ़ेंगे, जैसे तुम स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे, ऐसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या सीखेंगे? कि ह्यूमन कोई भी चीज़ में जब चेंज होता है तो कैसे रिएक्ट करता है। समझ में आया? दूसरी इम्पोर्टेंट बात, तुम जितने भी लॉज 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे सारे लॉ हम पढ़ेंगे डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल के। किसके पढ़ेंगे? क्लियर है? हर एक लॉ तुम जो भी पढ़ने वाले हो पूरे 12th में, हर लॉ किसने लिखा हुआ है? एल्फ्रेड मार्शल। क्लियर है? उनकी बुक का नाम क्या है याद करो, मैंने बोला था बहुत काम में आने वाली है। पलटो पेजेस। इन द ईयर
1776 स्मिथ की बुक है। तो अल्फ्रेड मार्शल के बनाए हुए लॉ पढ़ेंगे, उन्होंने कौन सी बुक में लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ, वो बुक उन्होंने कौन से साल में पब्लिश की। क्लियर है, समझ में आया? सबसे पहली बात, लॉ जो भी पढ़ोगे वो एक कॉमन सेंस पे रहेगा, और दूसरी चीज़ बनाए हुए किसके ऊपर है, हम इंसानों के ऊपर। अब देखो, ऐसे ही डॉक्टर मार्शल को तो सपना नहीं आया ना कि मैं लॉ बनाऊँ, उन्होंने कंज्यूमर में कुछ देखा होगा, तो कंज्यूमर या कोई भी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कल जो मैं आप लोगों को लॉ पढ़ाऊँगी यानी कमिंग सेशन में, वो ये वाला लॉ है, लॉ ऑफ DMU, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैंने जाने के लिए नहीं बोल, अब ध्यान दो, तुम लोगों को मैंने रिलेशन पढ़ाया TU और MU का, उसमें से TU को छोड़ दो तो बचेगा क्या, यूनिट्स और MU, वही है तुम्हारा लॉ ऑफ DMU। यूटिलिटी कम हुई थी ना, 8, 6, 4, 2, 0, -2, तो डिमिनिशिंग यानि कम होना, समझा? अब पढ़ाऊँगी और अच्छे से, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। समझा आपको? पक्का?